हेलो बच्चों, आज हम क्ले मोल्डिंग एक्टिविटी करेंगे और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्ले से हम स्नेल कैसे बनाएं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप किसी भी कलर का क्ले का पीस लेंगे, उसे हाथों से स्क्वीज़ करेंगे, उसकी बॉल बनाएंगे और फिर उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रख करके लॉन्ग रोल करेंगे इस तरह से। उसके आगे वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और जो पीछे का पॉइंटेड पार्ट है उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये इसकी बॉडी बन गई है। अब हम इसका शेल बनाएंगे। इसके लिए मैंने येलो और ग्रीन कलर की क्ले ली है। आप कोई से भी कलर की क्ले ले सकते हैं। उसको अच्छे से नीड करना है, फिर उसकी बॉल बना करके उसको लॉन्ग रोल करना है। उसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे इस तरह से। फिर इसकी कॉइल बनाएंगे, इस तरीके से उसे घुमाते जाएंगे और बीच बीच में थोड़ा फेविकॉल लगा करके फिर से घुमाएंगे, फेविकॉल लगाते जाएंगे। और ये बन गई है कॉइल, जो कि इसका शेल है, इसका होम भी कहलाता है। जब उसको दुश्मन से खतरा होता है तो वो इसके अंदर छुप जाता है। इसकी बॉडी पर हमने थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके इसको स्टिक कर दिया है और इसे एक ऐसे रख दिया है। अब हम इसकी आईज़ बनाएंगे वाइट कलर की। थोड़ी सी क्ले लेकर के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। ब्लैक कलर की भी क्ले लेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा क्ले लेकर के छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब स्नेल के फेस पर हम थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे, दो ड्रॉप, इसकी आइज़ को स्टिक करने के लिए। ये वाइट कलर के बॉल्स को हमने स्टिक कर दिया। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की बॉल्स स्टिक करेंगे। ये इसकी आइज़ रेडी हैं। अब हम इसका माउथ बनाएंगे। इसके लिए मैं पिंक कलर का क्ले ले रही हूँ। उसको लॉन्ग रोल कर लिया है और स्टिक कर दिया है इसके फेस पर इस तरीके से। अब बारी आती है टेंटिकल्स की, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके आसपास खाने के लिए क्या है या फिर उसका दुश्मन आसपास कहाँ घूम रहा है, ये टेंटिकल से पता लगाता है। इसके लिए भी किसी कलर का आप क्ले लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग रोल कर लेंगे। इसको स्टिक करने के लिए आप अपने बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं टूथपिक लूँगी और उससे जो है इसको स्टिक करने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पे इसको मोड़ दिया है। ये देखिए मेरा तो स्नेल रेडी हो गया। अब आपकी बारी है। इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए।